नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। हर रोज की तरह हम आज भी बताएंगे आपके दिन की शुरुआत कैसी है, आपका दिन कैसा गुजरेगा, क्या है आपकी किस्मत के सितारे, क्या है आपके किस सितारों की चमक, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या कुछ करना आपके लिए रहेगा शुभ, क्या आपका इंतजार लंबे समय से जो कर रहे हैं वो खत्म होगा या नहीं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और स्वागत करेंगे टैरो एक्सपर्ट एंड लाइफ डिजाइनर डॉक्टर सीमा मिड्डा जी का, जो आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जो आज आपके सवालों के जवाब देंगी और आपकी लाइफ को डिजाइन करने के लिए आपको नए नए सूत्र बताएंगी। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सीमा जी, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि आज के दिन का महत्व क्या है, आज का दिन ओवरऑल सबके लिए कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, आज के दिन स्पेशली मैं उनके लिए देखना चाहूंगी जिनका आज जन्मदिन है। हमारी तरफ से, हरियाणा न्यूज की तरफ से सभी को हैप्पी बर्थडे टू यू। और आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है और क्या करना रहेगा खास, आज मैं बताने वाली हूँ आपके लिए कौन सा रहेगा लकी कलर, क्योंकि रंग जो है आपकी जिंदगी में बहुत महत्व रखते हैं। यहाँ पे ये कहूंगी मेहनत करते रहना है, जिनका भी बर्थडे है अपने एक्सपीरियंस के साथ अपना तालमेल बना के चले, और पैसे को सोच समझ के खर्च करना है बर्थडे पे, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करना, खर्चा नहीं करना, सेलिब्रेशन करना है, खुशियां मनानी है, लेकिन पैसे को ध्यान में रखकर चलना है। सो आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। चलिए, जिन लोगों का जन्मदिन है खुशियां मनाइए, लेकिन पैसे को ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है इसके लिए आपकी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे को बचा के चलिए। आज आपके कार्ड से कहते हैं कि आज आपको फिजूल खर्चा नहीं करना है। सीमा जी, जैसे कि हम डेली बात करते हैं, आज हम एक ऐसे उस पर बात करेंगे जो वाकई आज का, हम जब कार्यक्रम भी करते हैं तो ज्यादातर कॉलर हमारे उसी सवाल को लेते हैं जी। शादी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को शादी की समस्या है, शादी में अड़चन आ रही है, शादी हो गई है तो वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, अनबन हो रही है, मैरिड लाइफ अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो उसके लिए हम आपसे सूत्र जानेंगे कि आखिर जब शादी वाली लाइफ, मैरिड लाइफ को सफल बनाने के लिए आखिर क्या कुछ खास करना चाहिए, जिससे कभी भी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, रिश्ते बहुत अच्छे बने रहे। बिल्कुल, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, बिकॉज इस तरह की समस्याएं हमारे पास हर रोज आती हैं जी। और मैरिज काउंसलिंग के लिए भी, मैरिज पूरा कपल जो है वो हमारे पास आते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि पुराने जमाने में जो लोग शादी अच्छी चलती थी सालों साल और परिवार के साथ बना के चलते थे, तो ज्यादा सवाल जवाब नहीं होने चाहिए। आज की डेट में मैं ये कहूंगी दोनों पार्टनर वर्किंग होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर और काम भी करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के ऊपर बिना मतलब के राइट करें, अंडरस्टैंड करें। इंस्टीट्यूशन ऐसी है शादी जिसमें आपको एक दूसरे को समझना होता है, और कॉम्प्रोमाइज वर्ड जो है वो शुरू दिन से अपनाना है। पहले कहते थे कि 5 से 10 साल लगेंगे आपको शादी में एडजस्ट करने में, नए घर में लड़की जाती है, एडजस्टमेंट सारे परिवार से करना पड़ता है। आज वैसे भी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, मुझे लगता है कि एक दूसरे को समझे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल पेरेंट्स ने भी ये कहना चालू कर दिया है कि बच्चे खुश रहे, हमारा तो हमारी खुशी उसी में ही है। सो खुश रहने के बहुत सारे तरीके अपने पूरे कार्यक्रम में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले अपने पार्टनर की अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करें और उनको सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं, यही सबसे पहला फॉर्मूला है। चलिए, मैरिड लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए आपको हम सफलता के सूत्र बताते रहेंगे, आपको टिप्स बताते रहेंगे, जिससे आपकी शादी की लाइफ में कभी कोई दिक्कत ना आए, लड़ाई झगड़े ना हो। लेकिन फिलहाल हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से, रघुवीर। रघुवीर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार रघुवीर, नमस्कार, सवाल बताइए। मैं 1 साल से मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जॉब करता था जी। 1 साल से मेरे को हटाया गया, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? डेट ऑफ बर्थ बताइए रघुवीर आप अपनी। 1/4/76। 1/4/1973। और आप जानना चाहते हैं कि आपकी जॉब 1/4/1973 जी, आप जानना चाहते हैं कि आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, ये पूछना चाहते हैं? आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो यहाँ पे आया है कि अभी आपको और ऑप्शन भी देखने हैं,
आपकी जॉब जरूर लगेगी, आपका चेंज का पीरियड है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। इस चेंज को और बेहतरीन बनाने के लिए आप और भी ऑप्शंस देखें, हो सकता है कि एक जगह ट्राई करें ना मिले दूसरी जगह मिले, जहां पे आपने ट्राई किया है वहां चांसेस हैं पर श्योरिटी नहीं है। चलिए रघुवीर जी, जहां आपने ट्राई किया है वहां चांसेस कम है, लेकिन कोशिश कीजिए, आप बढ़ते रहिए आगे, कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने से कामयाबी जरूर मिलती है। तो आपको बैठना नहीं है, हारना नहीं है, कोशिश करते रहना है, आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। मैम, हम बात कर रहे थे शादी के बारे में, सीमा जी की शादी के बाद जो लाइफ होती है, कहीं ना कहीं आजकल हम कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि शादी के बाद हमारी लाइफ बहुत ज्यादा खुशी होगी या ये होगा या वो होगा। कभी कभी क्या होता है कि वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाती, और यही आपके और सवाल में ही आपका उत्तर है कि अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन ना करें, जो आप कर सकते हैं वो करें, बिकॉज दो इंडिविजुअल कभी भी एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल। और लाइफ में कुछ कुछ चीजें जो होता है हर रोज भूल जानी चाहिए, जैसे कई लोग कल जो लड़ाई हुई थी उसी पे चलते हैं, और लड़ाई होना, फाइट होना एक बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ की निशानी है, बिकॉज आप अपना एक दूसरे को राइट बताते हो, अपने मन की बात बताते हो। लोग कहते हैं ना बहुत लड़ाई होती है, तो लड़ाई होना एक अच्छी बात है कि आप अच्छे कपल हो, आप अपने व्यूज को एक दूसरे के साथ रख सकते हो, लेकिन यही कपल जो ज्यादा लड़ाई करते हैं वो एक मिनट भी रह भी नहीं पाते एक दूसरे के बगैर। आपने कभी देखा होगा कि रॉकेट जब चलता है तो हर ऑर्बिट में जाने से पहले कुछ ना कुछ पीछे छोड़ता है और ज्यादा एनर्जी चलती है। तो लाइफ में आपको भी हर रोज की जो लड़ाई झगड़े हैं वो छोड़ देने चाहिए, हर दिन नए दिन की शुरुआत करनी चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ को आगे उस रॉकेट की तरह चला पाएंगे और खुश रह पाएंगे। सीमा जी, जैसा कि आपने कहा कि लड़ाई झगड़े होते हैं हमें पीछे छोड़ देने चाहिए, कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है कि हम रॉन्ग हैं, लेकिन सामने वाले बंदे के सामने हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि हम रॉन्ग हैं जी, और वह भी एक लड़ाई का कारण बनता है। और कहीं ना कहीं जो शादी के बाद ये चीजें जब आती हैं तो कहीं ना कहीं रिश्तों में बहुत ज्यादा दरार पड़ जाती है। देखिए ऐसा क्यों, और इसको ना हो, ऐसा ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज तो आपको अपनी ईगो को डिलीट करना है और साइड में रखना है। बिल्कुल। कारण ये कि अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में तरक्की करना, ग्रोथ करना, सफलता पाना, तो अगर आप घर में खुश हैं तो आप बाहर भी खुश होते हैं। अगर घर में लड़ाई करके आए हैं तो आप बाहर भी बॉस से भी लड़ाई करेंगे। So, पहली बात तो आप ये देखें कि कमी अपने अंदर तो नहीं है, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करें। डोंट ट्राई टू फोकस ऑन अदर्स, फोकस ऑन योरसेल्फ फर्स्ट कि कहीं आपकी गलती नहीं है। दूसरी चीज, अपनी ईगो को डिलीट करें। तीसरी चीज यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि एडजस्टमेंट नाम का भी कोई वर्ड होता है, आपको करना चाहिए, उसी से खुश रह पाएंगे। और यहाँ पे साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी को भी खुश करना चाहते हैं हमेशा लाइफ में, अभी एप्रिसिएशन तो आपको करनी ही होगी, उनके अच्छे गुणों को आपको एप्रिशिएट करना है, एक्सपेक्ट लेस करना है। सो ये छोटी छोटी चीजों में से एक भी चीज कर लेंगे तो आपकी जिंदगी की नैया जो है सफलता से पार हो जाएगी। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ योगिंदर जुड़े हुए हैं। योगिंदर, क्या सवाल है आपका? योगिंदर, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो। हाँ जी योगिंदर जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जोगिंदर है जी, मेरा नाम जोगिंदर। हाँ जी जोगिंदर जी, बताइए क्या सवाल है आपका? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताएं। जोगिंदर कौर जी। हाँ जोगिंदर जी, अपना डेट ऑफ बर्थ भी बताएं और सवाल भी बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/10/60। जी जी, सवाल बताएं अपना। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ था 10/10/60। जी सवाल बताइए जोगिंदर जी, सवाल। मेरा जन्म स्थान है अम्बाला सीतपुर। जी तो मेरा बाकी मेरा ना शरीर है जो 4 महीने से खराब चल रहा है जी, सेहत ठीक नहीं है। आपकी सेहत ठीक नहीं है तो यहाँ पे देखते हैं। हाँ, आपकी हेल्थ की... सेहत 4 महीने से खराब चल रही है, ठीक नहीं है। ये कब तक ठीक हो जाएगी, कितने दिन का कष्ट है मेरे शरीर पर, आगे का टाइम मेरा कैसा आएगा? बिल्कुल जरूर देखते हैं। यहाँ पे आपके आगे का टाइम का कार्ड बहुत अच्छा आया है। कार्ड इज वेरी वेरी पॉजिटिव रिलेटेड टू योर आगे का फ्यूचर, और हेल्थ जो है आपकी ठीक होने वाली है। मेरा आपसे गुजारिश ये है कि जिनकी भी हेल्थ ठीक नहीं है, परिस्थिति को बदलने के लिए आपको मनस्थिति बदलनी पड़ेगी। अपनी मनस्थिति को बदलने के लिए आज से आप एफर्मेशन लगाएंगे कि मैं ठीक हूँ और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ।
सुबह उठकर अगर आप ये बोलते हैं 3 बार तो आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा होने लगता है और अपने वातावरण को बदले। यहाँ पे कार्ड ये कहते हैं कि जिस भी कमरे में आप रहते हैं आप थोड़ा उस कमरे की साफ सफाई और अच्छे से करें और कमरे को बंद ना रखें, खुला छोड़ें, थोड़ी बाहर की हवा लें। और अगर फिर भी अगर आपको कोई परेशानी ज्यादा हो रही है तो अपना, कई बार कहते हैं पुराने जमाने में कहते थे कि हवा पानी बदल दे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है, तो आप भी कहीं छुट्टियां मनाने चले जाएं, उससे भी आपको फायदा होगा। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ रमेश जुड़े हुए हैं। रमेश, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार रमेश जी, सवाल बताइए। मैम डेट ऑफ बर्थ है 92। ओके, सवाल बताइए रमेश जी। जॉब के बारे में जानना था। जॉब के बारे में जानना था, बिल्कुल। यहाँ पे ये देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। वैसे आपका सेटलमेंट का टाइम आया है, आपका जॉब से रिलेटेड अच्छा टाइम आया है, अब आपको जॉब मिली जाएगी। यहाँ पे कार्ड्स देखते हैं आपका जॉब मिलेगा और आगे कैसा रहेगा फ्यूचर जॉब को लेकर। यहाँ पे गाड़ी चल रही है, यहाँ पे कार्ड आ रहा है पॉजिटिव, लेकिन ये देखना है कि हो सकता है एकदम इतनी जल्दी ना हो, अप्रैल महीने में ना हो, लेकिन मई में आपको बहुत फॉर श्योर आपको जॉब मिल सकती है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ में अच्छा समय आया है, सो अपने अच्छे समय का भरपूर लाभ उठाएं। और जैसे कि हम सबको बोलते हैं कि आप ट्राई करते रहें, हो सकता है कि एक ही जगह आपने आइडिया लगा लिया है तो ऐसा ना हो, आपको कहीं दूसरी जगह भी जॉब मिल सकती है। चलिए रमेश जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है, हो सकता है अप्रैल महीने में नहीं तो मई में आपको जरूर आपको जॉब मिलेगी। आप कोशिश करते रहिए, अप्लाई करते रहिए, निश्चित तौर पर आपको जॉब मिलेगी। हम बात कर रहे थे शादी के बारे में जी, शादी के बाद की जो लाइफ होती है उसके बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले जो लड़ाई झगड़े का मेन कारण होता है वो ज्यादातर थर्ड पार्टी होती है कि तुम्हारी बहन ने ऐसे कह दिया या तुम्हारी मम्मी ने ऐसे कह दिया या उसने मेरे से ऐसे एक्सपेक्ट कर लिया, तो आप सारी शिकायत उनको ही बोलती है, अपने पति को बोलते हैं या पति जो है वो पत्नी को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है आप उससे ही खुल के क्यों नहीं बात कर लेते, वो ज्यादा बेटर है। आप उनको बोलते हैं, बोल सकते हैं कि आप क्या चाहते हो मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जब भी हम कहीं नई कंपनी में भी जॉब करना जाते हैं तो हम अपने बॉस को भी खुश करते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि जो बॉस कहेंगे उनको यस सर कहते हैं, तो थोड़े दिन के लिए यस सर यस मैम सोच के देखिए, करके देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मन मन में बोलिए। अगर आप ऊपर से नहीं बोलना चाहते, डेफिनेटली अगर आप मन मन में भी पॉजिटिव वाइब्रेशन उनको देंगे तो उसके नतीजे आपको अच्छे मिलेंगे और आपकी आने आगे की जिंदगी, अपनी शादी की जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ प्रदीप जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या सवाल है आपका? जी प्रदीप बताइए। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। बताइए सवाल बताइए जी, आगे की किस्मत का पता लगाना जी, आपकी आगे की किस्मत का पता लगाना है। किस्मत का पता हम जरूर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले, हाँ जी, उससे पहले हम आपकी डेट ऑफ बर्थ का पता लगाना चाहेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकते लेकिन यहाँ पे मैंने कार्ड्स देखे हैं कि आपकी आगे किस्मत कैसे चलेगी और कैसे चलने वाली है। यहाँ पे हमारे कार्ड्स कहते हैं कि आप डेफिनेटली अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि घर की लक्ष्मी को जब आप कद्र देते हैं तो आपकी जिंदगी डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाती है। और पिछली पुरानी बातों को याद ना करें, आपकी किस्मत, आप जिस तरह से मेहनत करते जा रहे हैं आगे भी मेहनत करते जाएंगे, आपके कार्ड जो हैं वो आगे का फ्यूचर आपका अच्छा बताते हैं और हम आपको आपके आगे के फ्यूचर के लिए तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं। चलिए रमेश, आपका आगे का भविष्य बहुत अच्छा है, आपके जो कार्ड्स हैं वो आपकी किस्मत के सितारे बता रहे हैं कि आगे बहुत चमकने वाले हैं। फिलहाल यहाँ रुकने, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। स्वाद कर दे दीवारा श्रीनंदन, सेहत का है खजाना श्रीनंदन, शुद्धता का है पैमाना श्रीनंदन, शुद्ध घी भरपूर सेहत
भरपूर स्वाद श्री नंदन शुद्ध देसी घी। खेतों में खुशहाली लाए बोपाराए बोपाराए, घर घर पानी पहुँचाए बोपाराए बोपाराए, सालों साल चलता ही जाए बोपाराए बोपाराए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराए मोटर स्टार्टर। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान, बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में सुमंत्र, न जादू है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य में आयुर्वेद का कमाल देखना, ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं टैरो एक्सपर्ट एंड लाइफ डिजाइनर डॉक्टर सीमा मिड्डा जी। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, अपने सवालों के जवाब लेना चाहते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके भी सवालों के जवाब देंगे। हाँ जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, मेरा नाम सुनील है मैडम। जी सुनील बताइए, क्या सवाल है आपका? जी डेट ऑफ बर्थ बताइए सुनील अपनी आप। 7/11/95। ओके, आप जानना चाहते हैं आपको जॉब कब मिलेगी, तो यहाँ पे कार्ड से देखते हैं सुनील जी आपका कि आपको जॉब कब मिलेगी और आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। यहाँ पे फ्यूचर अच्छा होगा, जॉब के लिए अभी थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो इस उतार चढ़ाव को जल्दी ही आप लॉक कर देंगे, यानी कि जॉब मिलेगी। यहाँ पे कार्ड आ रहा है कि आपके सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर जून के बाद आपका जॉब से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव होगा और इस साल बर्थडे के बाद आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, नई बिगिनिंग, नई शुरुआत होगी। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो सोच लें, प्लान कर लें, कोई बिजनेस भी कर सकते हैं क्योंकि बिजनेस में भी आपको फायदा होगा। आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, तो किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम करने की कोशिश करें। चलिए अगली कॉलर हमारे साथ दिशा जुड़ी हुई है। दिशा क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिशा, वेरी गुड मॉर्निंग, सवाल बताइए। मेरा दिशा, दिशा आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही है, आप दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए।
मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 मार्च 1988 है। बर्थ टाइम मेरा दिन के 3 बजे है जी। और बर्थ प्लेस मेरा जयपुर है मैम जी। अपनी मैरिज की पूछना था जी, आपकी मैरिज के लिए कि कब होगी, तो यहाँ पे कार्ड जॉब के लिए पूछना जी। पहले जॉब के लिए कार्ड उठाती हूँ, फिर शादी कब होगी उसके लिए मैं कार्ड उठाती हूँ। जहाँ तक बात आती है शादी की, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन जॉब के चलते चाह रहा है तो आप अपनी जॉब का पहले ध्यान रख लें, और शादी में जो डिलेज हो रहे हैं उसके लिए आपको हर रोज अपने मंदिर में शिवलिंग पे जल चढ़ाएं और एक गुलाब का फूल चढ़ाएं। और दूसरी बात ये कि आप अपने लेफ्ट हैंड में मेटल का या सिल्वर का एक बैंगल या कड़ा पहन लें, उससे आपको फायदा होगा। आपके बनते बनते काम नहीं बनते या ऑब्स्टिकल आते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप जरूर से आप ये करें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। चलिए डॉक्टर सीमा जी, आपने इतने सारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उनकी समस्याओं के समाधान दिए, अब हम आपसे जानेंगे कि क्या कुछ खास लेकर आई हैं आप हमारे दर्शकों के लिए, जिससे हमारे दर्शक मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल, यहाँ पे रोज की तरह एक छोटी सी कहानी है। मशहूर चित्रकार पिकासो के बारे में आपने सुना होगा, वो बहुत ही अच्छी तस्वीरें बनाते हैं, और मतलब उनकी तस्वीरें बहुत यादगार हैं और विश्व प्रसिद्ध बनाई हैं उन्होंने तस्वीरें, और उनका नाम बहुत है। एक महिला उनके इस कला से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई और बोलने लगी कि पिकासो से मिली और बोलने लगी कि मुझे आप कुछ दीजिए, आप कुछ तोहफा दीजिए, कुछ गिफ्ट दीजिए। तो पिकासो को समझ नहीं आया कि मैं क्या दे दूँ एकदम से। उन्होंने वहाँ से किसी से पेपर लिया और एक गोला बनाया या लाइट बनाई या कुछ भी बनाया और उस महिला को दे दिया 1 मिनट के अंदर अंदर, और बोला कि इसकी कीमत $1,000,000 है, आप ले जाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएं। तो वो महिला घर आई और मजाक सोचने लगी कि एक छोटे से कागज़ का टुकड़ा $1,000,000 का कैसे हो सकता है। उसने बाजार में गई और चेक कराया कि इसकी कीमत क्या है, तो वाकई में वो $1,000,000 का था। उस महिला को ये लगा कि अगर मैं ये सीख लूँ तो मैं हर रोज $1,000,000 की तस्वीर बना सकती हूँ। तो उन्होंने सर्च किया कि अगले दिन पिकासो कहाँ मिलेंगे, ढूंढ ढांड के बहुत कोशिश करके जहाँ पे पिकासो जाने वाले थे वहाँ पे वो चली गई और बोला कि मुझे आप सिखा दीजिए, क्योंकि मुझे $1,000,000 की तस्वीर रोज बनानी है, आपने तो 1 मिनट लगाया, मैं पूरे दिन में एक ही बना लूंगी, पर मैं बना लूंगी, आप मुझे सिखा दीजिए। बहुत गुजारिश करने लगी, हाथ जोड़ने लगी, तो पिकासो उनकी बात सुनकर हंसे। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको सीखना है तो पक्का से आप सीख सकती हैं, लेकिन आपको 30 साल रोज क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से मुझे ये शिक्षा मिली कि शॉर्ट टर्म जो गोल होते हैं आपके, या बहुत जल्दी आप प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई पौधा लगाया और उसको सींचा ही नहीं और पहले दिन से ही आप फल निकालना चाहते हैं। ये नहीं करना, जो मेहनत से मिले हुए नतीजे होते हैं वो वर्थ $1,000,000 होते हैं। तो कहीं आपके काम में भी कोई कमी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको $1,000,000 नहीं मिल सकते। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है, आपकी डिक्शनरी में ना नहीं होना चाहिए। मेहनत कीजिए, 30 साल नहीं तो 10 साल लगाइए, देखिए आपके पेड़ में भी बहुत सारे फल होंगे और बहुत सारे रिजल्ट्स होंगे, बहुत नाम होगा, अवार्ड होंगे, प्रसिद्धि होगी। कोशिश कीजिए, कोशिशें कामयाब होती हैं जरूर से। इसी के साथ आपसे अलविदा चाहती हूँ। बिल्कुल, जैसा सीमा जी ने कहा कि कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हम भी ये कहेंगे कोशिश करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम जी। नमस्कार।